बैक फॉर अनदर वीडियो और आज हम फिर से Q&A शूट कर रहे हैं क्योंकि बहुत डिमांड आई थी और हमें भी लगा कि अब नीट हुआ है तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों को, तो हम लोग ये शूट करते हैं। बाय द वे जो नीट यूजी देखे देख रहा है, बताना पेपर कैसा गया तुम्हारा। नहीं मेरे को मत बताना, मेरे को जानने का बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है पर डिप्रेशन। सो हम Q&A चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो नहीं है, एक सजेशन है हमारी वीडियो के लिए। सो वो हम एक बार आपको बता दे कि करा कि प्लीज डू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश बिकॉज आई कांट अंडरस्टैंड हिंदी प्लीज। सो वी आर गोना एक्सप्लेन इन इंग्लिश, हिंदी में हम नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करेंगे बट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इंग्लिश में ही विल ट्राई टू कन्वे इट इन इंग्लिश इटसेल्फ। यस, बाकी आर्यन है वो फोटो भी लगा देगा जिसको भी ऐसा है कि वो नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत लोग हिंदी में भी देखते हैं, तो इसलिए हमें हिंदी में भी बोलना पड़ेगा। विल डू इंग्लिश काइंड ऑफ स्टफ। फर्स्ट क्वेश्चन टेल अबाउट हर बार आता है। Tell about your NEET marks and why you choose this university. NEET marks वाले देखना है भाई, पुरानी वीडियो में डाला हुआ है यार, एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछोगे। तो आप पुरानी वीडियो जाके देख लेना गाइस, लिंक हमारे उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके देखो और उस पर भी अपना थोड़ा प्यार जताओ। एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जो बहुत काइंड ऑफ सिमिलर थे, तो हमने उनको हमारे वर्ड में मेंट करके क्वेश्चन फॉर्म कर लिए। सो पहला क्वेश्चन उनमें से है, व्हाई यू चूज करमू एंड व्हाई नॉट अदर कॉलेजेस, बेस्ट कॉलेज इन 2024। सो आप बताएंगे। सो मैं डिवाइड करती हूँ, पहले व्हाई यू चूज करमू। पहले तो नीट पे सिलेक्शन नहीं हुआ था, यार ये डिप्रेसिंग अपन डिप्रेसिंग बातें नहीं करेंगे। पहली बात हमने करमू इसलिए चूज करा, पहली बात हमने कजाकिस्तान को फोटे बनाए क्योंकि इधर नोन थे बहुत सारे। पहली बात इधर 5 साल के MBBS कोर्स था और बाकी रशिया यूक्रेन में वॉर थी और इसलिए हम लोग वहां नहीं जा पाते, 6 साल का था वहां पे, यहाँ से 5 साल का था इसलिए। दूसरी बात हमें करमू में USMLE और उसके लिए ऑप्शंस आगे ओपन थे, आप चेक कैसे करते हैं USMLE का, जो WHO की WFME which is World Federation of Medical Education की साइट है, उस पे एक्रेडिटेशन होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी के पास। पहले आपके पास WDOMS था पर अब WFME में ये शिफ्ट होते जा रहे हैं। और हमें पहले हम लोग गए और काजनामू में एडमिशन लेने गए थे लेकिन काजनामू में एडमिशन बंद थे, हो गए थे क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, तो इसलिए हम लोगों ने फिर करमू चूज किया। कैशमैन हमें USMLE वाला ऑप्शन नहीं रह पाता और एक ऑप्शन वो ओपन रहना तो हर मेडिको का ड्रीम होता है यार, USMLE तो दे या ना दे लेकिन ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी बात अल फराबी हमें जाना नहीं था क्योंकि वो नई यूनिवर्सिटी थी, तो हम इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे थे उस पे, इसलिए हमने चूज की। अभी उसका एक बैच भी नहीं निकला, आई गेस देयर इज नो बैच पास्ड आउट, सो दैट्स व्हाई वी चूज करमू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड व्हाई नॉट अदर कॉलेजेस, वो तो हमने अब आपको बताया कि व्हाई नॉट अदर कॉलेज, काजनामू एडमिशंस वर क्लोज्ड and we are happy that we got in Karmu and Al Farabi, the it's a new university and if I say of Caspian it's also a new university, only one batch has passed, but USMLE is an important factor in Al Farabi and Caspian, both you can't give USMLE. Plus if we don't choose Astana because Astana is very cold and we thought we can't bear with the temperature and the fees and living expenditure is very high for us, so that's why. And SEME and other universities are also good, Karaganda, SEME, they are good universities, but we wanted to be in a capital city, Almaty, that's why we chose Almaty, no personal reasons or anything like that, so that's why we chose Almaty. Now, best college in 2024. For us, Karmu. For us, Karmu, but aisa kuch best college yahan hota nahi hai, koi aisa ranking nahi hai, sabse best, aur aisa bhi kuch nahi hota, ki main bata dun, pehle aapko bahut saare general consultant bolenge ki bhai yahan to bahut ratio hai FMG nikalne ka, aisa kuch nahi hai, individual pe individual depend karta hai. Abhi hamare Karmu se bahut bachchon ka admission hua hai usme, FMG mein hua hai, like us time ke agar dekha jaye to bacche kam aate the, lekin unme se kuch 30-40% ka ho aaya hota hai FMG mein selection, isliye matter nahi, ratio matter nahi karta, ye aapka ho gaya bas wahi matter karta hai. So next question, how's the clinical exposure? So there are two things to must know about the clinical exposure. First, you must know the language. Agar language nahi aa rahi to tum patient se interaction nahi kar paoge, patient se interaction nahi karoge to kya clinical exposure loge. Aur dusri cheez, agar aap chahte ho yahan padhna aur clinical example, aapne hamari ek surgery ka vlog dekha hoga, to hum surgery karne gaye the aur wo teacher hame sikhana chahta tha, but it depends. Kuch group chahte hai to kar sakte hai, kuch agar tumhara man hai और तुमने टीचर से बात कर ली तो यू कैन स्किप दैट ऑल्सो, बट आई प्रेफर कि आप जाओ, एक समझ भी नहीं है ना, इफ यू सी वी सॉ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, तो इफ यू सी दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर यू इन सम वे और अदर, सो इट्स गुड फॉर क्लिनिकल एक्सपोजर. एंड लैंग्वेज, मैंने कहा अगर लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप नाइट शिफ्ट्स के लिए भी जा सकते हो, हमारे एक टीचर ने पूछा था, इफ यू नो द लैंग्वेज यू कैन कम फॉर नाइट शिफ्ट्स एंड एवरीथिंग, सो लैंग्वेज इज मस्ट गाइस.
लैंग्वेज नहीं आएगी तो क्या पेशेंट बोल रहे बुखार है समझो कैसे? हमें भी आती चावल दास दानिया दान नियत और पजालस्ता। तो हम प्रेफर करते हैं इंडिया जाके क्लिनिकल एक्सपोजर लेने का, तो आप वो भी कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द पीपल फ्रेंडली? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो हाँ, क्योंकि है यहाँ पे फ्रेंडली, लेकिन यहाँ पे जो यंग जनरेशन है वो ज्यादा फ्रेंडली है एज कम्पेयर टू मतलब जो पहले के जो ओल्ड है यहाँ पे सिटीजन, क्योंकि उनको मतलब वो उतना फ्रेंडली हो नहीं पाते, उनको लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज अ मेन बैरियर। लेकिन जो यंग जनरेशन को जिनको इंग्लिश आती है वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे ओल्ड हैं जिनको लैंग्वेज है दूसरा, मतलब हम दूसरी कंट्री के हो जाते हैं, तो वो थोड़ा ऐसे देखते हैं आपको, लेकिन आपको कुछ करेंगे नहीं, पर वो देखेंगे। और वैसे भी मेरा रूममेट खुद रशियन है भाई। हाँ, तो बहुत फ्रेंडली बंदा भाई, बहुत फ्रेंडली बंदा है। और भाई वो इसको काजू कतली ऑफर करता है, इतना बढ़िया बंदा है। सो हाँ, पीपल फ्रेंडली है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी अर्न डूइंग सम पार्ट टाइम जॉब? सो आई मस्ट टेल यू नो, यू कांट डू पार्ट टाइम जॉब। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी से परमिशन है तो फिर भी, बट लैंग्वेज, फिर से मैं बोलूंगा लैंग्वेज के बिना यहाँ कुछ नहीं है भाई, यहाँ इंग्लिश में कुछ नहीं होता। दूसरी बात, अपन यहाँ स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हैं ना कि बिजनेस वीजा पे, तो आप वो नहीं कर सकते हो जॉब। और उसके बाद आपको जॉब क्यों करनी है, मतलब करनी भी है, हमें भी पहले सोचा था कि हम लोग यहाँ बंद कर बनाएंगे, बट नहीं हो पाता वो, यू कांट। हाँ, और यहाँ पे आपको पढ़ाई से टाइम नहीं मिलेगा, सो बेटर फोकस ऑन यूनिवर्सिटी पे। यहाँ आप एक भी एब्सेंट नहीं ले सकते, यहाँ आपको अपना एफएमजी का पढ़ना है, तो कहाँ से निकालोगे यार टाइम। हाँ, और यहाँ एक एक हॉस्पिटल में आपको बता दूं, ये अलग इन्फॉर्मेशन, एक एक हॉस्पिटल हम लोग जाते हैं, वहाँ 1.5 आवर्स का तो बस वहाँ पहुंचने का टाइम होता है, इसलिए, क्योंकि बहुत दूर है, बहुत दूर है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टीचर्स गुड और नॉट? ये बहुत ही मतलब इसका आंसर बहुत डिप्लोमेटिक है, क्योंकि है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत, टीचर्स इनमें ऐसे बहुतों को आती है, बहुतों को नहीं आती, लेकिन आपको पढ़ा पूरा देंगे, क्योंकि उनको इतनी तो आती है, आप उनको कुछ बोलोगे भी शायद वो समझ नहीं पाए, लेकिन उनको इतनी लैंग्वेज आती है वो समझा पूरा देंगे। दूसरी बात, बहुत टीचर्स को जैसे हमारे पैथ है नेट की जो सेकंड ईयर टीचर्स है उनके लिए उनकी इंग्लिश बहुत ही बेस्ट थी, उनको पूरी इंग्लिश आती है, लेकिन जो थर्ड ईयर की टीचर्स है उनमें दो तीन टीचर्स है जिनको इंग्लिश इतनी नहीं आती थी, स्टिल उन्होंने हमको पढ़ा देते थे, हम जो क्वेश्चन करते थे हमको ट्रांसलेट करके पूछ लेते थे, या तो, अगर उनको कोई वर्ड समझाना है मैं तो बोलेंगे गूगल ट्रांसलेट ओपन करो एंड ही विल एक्सप्लेन टू यू। तो 50-50 रेशियो है, तो जिनको इंग्लिश आती जिनको इंग्लिश नहीं आती, पर अगर समझना चाहते हो तो समझ लोगे। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी का है, और यूनिवर्सिटी का हमें नहीं पता, शायद उनमें ज्यादा आती है, शायद उनमें कम। अगर कोई और यूनिवर्सिटी का देख रहा है तो बताओ यार तुम्हारे टीचर्स को कैसी इंग्लिश आती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हॉस्टल एंड इंडियन फूड। सो हॉस्टल के बारे में पहले मानसी आप बताओ, क्या अच्छा लगता है हॉस्टल? ओके, हॉस्टल के बारे में लाइक्स और डिसलाइक्स, तो लाइक्स बताती हूँ मैं। लाइक्स मुझे हॉस्टल में अच्छा लगता है कि परमानेंट वो है आपके ऊपर, परमानेंट जैसे घर पे कहते हैं परमानेंट छत मिलेगी आपको, तो हाँ परमानेंट आप स्टे है यहाँ पे। दूसरी बात, एक बार फीस दे दी आप पूरे साल आप ये झंझट नहीं, आप फ्लैट में तो ये होता है यहाँ नहीं अब क्या करें, तीन महीने बाद होने का चलो निकलो यहाँ से, तो मैं इसमें नहीं, हम दोनों ही इसमें नहीं मैं सब होना चाहते थे जो हम हो चुके हैं सेकेंड ईयर में, इसलिए हॉस्टल इसमें अच्छा है। तीसरी बात, आपको खाना नहीं बनाना है, आपको खाने का मन या बच्चों को खाना नहीं आता है, तो जाओ मैसे जाके खाना खा लो, मैस में खाना अच्छा मिलता है, इंडियन फूड मिलता है, और प्रॉपर आपको चाहिए तो मैं खाने की फोटो डाल दूंगी इंडियन फूड में क्या मिलता है। और चौथी बात, हॉस्टल में आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं कंपेरेटिवली फ्लैट से, क्योंकि फ्लैट में आपको नहीं पता आपके अनस्टेबल एक्सपेंस होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, फ्लैट में अनस्टेबल एक्सपेंस होते हैं, कभी कोई चीज टूट गई, हम रह चुके हैं इसलिए हम आपको एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हॉस्टल में एक्सपेंसेस होते हैं मतलब स्टेबल होते हैं कि महीने का इतना ही जाएगा। और सो व्हाट डू यू डोंट लाइक अबाउट हॉस्टल? अब पहले लास्ट जो अच्छा लगता है मुझे हॉस्टल के बारे में, यहाँ पे क्लीनिंग आपको नहीं करनी पड़ी, क्लीनिंग के लिए आपको बस टोटली पूरे साल का एक अमाउंट जाता है 1000-2000 INR, और वो आपको पे करने पड़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपकी क्लीनिंग लेडी आती है, वो आपको फ्राइडे या सैटरडे में से एक दिन आएगी, वो आपको पूरा रूम साफ कर जाएगी और आपका पूरा वॉशरूम वगैरह सब साफ हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे हॉस्टल में। ओके, डिसलाइक, व्हाट यू डोंट लाइक अबाउट हॉस्टल? देखो मैं बहुत दो हॉस्टल में रही हूँ, हॉस्टल में बस ये है कि आपको एक सर्टेन रूल्स होते हैं कि आप उसको ब्रेक करोगे तो आप फंस सकते हो, हम करते नहीं है, स्ट्रिक्ट भी बहुत होता है कभी कभार, कभी सिनेरियोस में। और दूसरी बात कि है ना, लाइक आप इसमें इंडक्शन और कैटल वगैरह यूज नहीं कर सकते, किचन में थोड़ा वेटिंग लाइन बहुत लंबी है, तो हाँ वो थोड़ा मुझे डिसलाइक लगता है यहाँ पे। और वॉशिंग मशीन सिर्फ दो होती है, वॉशिंग मशीन सिर्फ दो, गर्ल के लिए दो बॉयज के लिए, सो थोड़ा वो रहता है, खाने में टाइम ज्यादा लगता है बनाने में थोड़ा, और कपड़े वगैरह धोने के लिए आपको टाइम ज्यादा चाहिए, बस मेरे को यही नहीं पसंद हॉस्टल में, बाकी मुझे पसंद। और इंडियन फूड के बारे में, हाँ हमने 2 साल मैस लगाई है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर मैंने मैस लगाई थी वो भी खाना चाहता, सेकंड ईयर मैस लगाई वो भी खाना चाहता, इंडियन फूड यहाँ अच्छा मिलता है, यहाँ पे आपको मिलेगी नान
मैं आपको एक टाइम की मैं बता देती हूँ, नान सब्जी दाल और चावल, उसके साथ आपको कभी रायता मिल सकता है, कभी आपको उसके साथ छाछ मिल सकती है, आपको कभी सैलड भी दे देते नीचे, मतलब आपको जो भी मानो, और खाना अच्छा मिलता है कंपेयर टू। हमने अभी मैं हटा रखी है क्योंकि मेरे को मतलब सूट नहीं कर रही थी, मैदा रोटी में मैदा होता है इसलिए मेरे को सूट नहीं कर रहा था और डॉक्टर ने मेरे को मना कर रखा है, इसलिए हम लोगों ने मैसेज हटा रखी। लेकिन जिसको कुक नहीं आता है, जिसको नहीं बनाना, मैसेज इज वेरी गुड ऑप्शन, और खाना भी अच्छा मिलता है यहाँ पे, सब्जी एकदम एकदम ऐसा नहीं है, मतलब एकदम घर जैसी सब्जी मिलती है यहाँ पे। बाकी मैं आपको फोटो चाहिए तो डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुड आई बाय आईपैड, सर्जिकल किट एंड अदर एसेंशियल्स फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम कजाकिस्तान इटसेल्फ? सो देखो, आप इंडिया से भी ले सकते हो एंड यू कैन बाय इट फ्रॉम कजाकिस्तान इटसेल्फ, बट लाइक हमने यहाँ से सर्जिकल किट तो अभी हमारे थर्ड ईयर तक भी नहीं आएगी, फोर्थ ईयर में सर्जिकल किट की नीड आएगी, तो थर्ड ईयर तक सोचा नहीं। और आईपैड है, आप यहाँ से भी ले सकते हो, इंडिया से भी ले सकते हो, बट आई प्रेफर कि आप इंडिया से लो, यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स ना मेरे को थोड़े हल्के लगते हैं, पर्सनल है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, बट आई प्रेफर तुम इंडिया से लेके आओ और यहाँ यूज करो और कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब फीचर्स वो नॉर्मली है, बस इंडिया का आई प्रेफर। एंड इफ आई से अबाउट स्ट्रेथ एंड एवरीथिंग, फर्स्ट ईयर में स्ट्रेथ जरूर लाना, इंडिया से ले आना खुद का, इट विल बी गुड फॉर यू, इंडिया में सस्ते स्ट्रेथ मिल जाते हैं और अच्छे मिल जाते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, तो इंडिया से ही स्ट्रेथ लेके आना। अदर एसेंशियल्स फ्रॉम इंडिया, तो एसेंशियल्स के हम आपको वीडियो बना के बता देंगे, आपको हमने बना भी रखी है शायद, लेकिन एसेंशियल्स में आप एप्रिल इंडिया से ले आना, क्योंकि आपको मतलब एप्रिल काम आएगा यूनिवर्सिटी में, लेकिन इतना लंबा चलता है, तो कोई भी आ रहा है तो एप्रिल लंबा लेके आना। दूसरी बात, एसेंशियल्स में यहाँ पे लाना है फुल स्लीव्स के, हाँ। और दूसरी बात, एसेंशियल में आपको अगर आना है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसेंशियल है, फर्स्ट ईयर में बच्चा सोचता है खाने का वैसा मिलता है, खाने का कुछ नहीं मिलता, हम भी यहाँ एक को बनाते हैं, खाने का कुछ भी नहीं मिलता है, और मिलता है 10 रुपए का, अगर 60 रुपए का चाट मसाला तो यहाँ पे 200 रुपए से कम नहीं मिलेगा, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो खाने का लेके आना, लाइक क्योंकि आप स्टार्टिंग में आते हैं यहाँ पे, आप नहीं हो पाओगे कम्फर्टेबल, तो मठरी और जो भी आप लोग खाते हो स्नैक्स वगैरह, सब लेके आना इंडिया से, तो और जरूर लेके आना कपड़े, नमकीन तो प्लीज लेके आना। और एक बात, जैकेट और स्नो जैकेट, जिन्हें कोई सोचे कोई आ रहा है तो हमारे लिए भी लेना नमकीन, हम बुरा नहीं मानेंगे। जैकेट और स्नो जैकेट अगर कोई सोचे कि आप इंडिया से ले आओ, कोई काम नहीं आएंगे। मैं 2 स्नो जैकेट लेके आई थी यहाँ, वो ऐसे कैसे पड़े, यहीं से लेना स्नो जैकेट, फालतू वेट मत लेना। दूसरी बात, कपड़े यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं और सस्ते भी मिल जाते हैं, तो कपड़े लाने की जरूरत नहीं, खाना जरूर लेके आना, घर की एडवाइस। लड़कियों के तो बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं हमारे। और दूसरी बात, एक हॉस्टल का आया है, बॉयज गर्ल्स डिफरेंट और सेम बिल्डिंग, बॉयज और गर्ल्स की सेम बिल्डिंग है हॉस्टल में, यहाँ पे अलमाटी में हर हॉस्टल में सेम बिल्डिंग है बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल की, लेकिन फ्लोर अलग होते हैं। मैं अपने हॉस्टल का एग्जांपल देती हूँ, फर्स्ट सेकंड फ्लोर गर्ल्स का है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ बॉयज का है। और रूम में आने के लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए हॉस्टल में हमारे, तो इसलिए आपको मिलती नहीं इजिली। सो अगला क्वेश्चन आया है, सम इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ कजाकिस्तान लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, कैब बुकिंग, ट्रांसलेशन फॉर मनी एक्सचेंज एंड एक्सेट्रा। सो सबसे पहले इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, बेस्ट वेबसाइट इज कास्पी। लोग आपको फर्स्ट ईयर में हमें नहीं पता था, सेकंड ईयर में भी हमें धीरे धीरे जाने लगे थे जब कास्पी यूज कर रहे थे अपन। कास्पी यहाँ का फोन पे, इंडिया में फोन पे होता है या कास्पी है, पर इसमें यहाँ आपको मैगजीन का ऑप्शन मिलता है कास्पी में जाके, और वहां आप जाके जो शॉप करना है कर सकते हो। लोग सोचते हैं जलोनी या ग्रीन बाजार है वहां सस्ता मिलेगा, पर नहीं मिलता गाइस, कास्पी से सस्ता कुछ नहीं है। कास्पी यहाँ का ब्लैंकेट मान लो आप, या अमेजन मान लो, अमेजन इज द बेस्ट ऑप्शन कास्पी यहाँ का। आपको वहाँ पे खाने पीने की चीजें भी ऑर्डर कर सकते हो, आपके यूटेंसिल्स भी ऑर्डर कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम बर्तन लिए, सेकंड टाइम हमने बर्तन लिए थे खाना बनाने के लिए, तो हम लोगों ने एक पैन लिया था, मतलब हम लोग वो जिलोनी से लेके आए थे, और वो था कुछ 6,000 टेंगे समथिंग का, तो उसका इंडियन प्राइस 800-900 का होगा, 6,000 टेंगे का था। हम बहुत ही गंदी तभी शेयर पैन है ना, लेकिन हम लोगों ने जब अभी कास्पी से ऑर्डर किए थे, वो पैन हमें सेम 3,000 टेंगे का मिला था। सो आप डिफरेंस देख सकते हो, हाफ जमीन आसमान का अंतर है। तो हाँ, आप ये कर सकते हो, आप कास्पी से ऑर्डर करना। आप तो हम लोग सिर्फ कास्पी से ऑर्डर करते हैं, यहाँ पे किसी ने बात नहीं बताई सीनियर वगैरह ने, तो हम वो सीनियर नहीं बनेंगे। हम ऐसे सीनियर बनेंगे जो आपको बताएंगे सिर्फ कास्पी यूज करना। और अगर आपको हैक्स जानने कजाकिस्तान में रहने के, तो उसकी हम एक शॉर्ट की सीरीज भी चालू कर रहे हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो। अगला है कैब बुकिंग के लिए। कैब बुकिंग के लिए आपके पास देखो, अगर नॉर्मल सस्ते में जाना है, येंडेक्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक नया है इनड्राइव, वो भी बहुत गुड ऐप है, और एक अगर आपको ये सब नहीं पता चल रहा और थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर उबर, यहाँ उबर KZ भी चलता है, बट वो बहुत कम लोग बुक करते हैं। सब मेजोरिटी कैब बुकिंग येंडेक्स होती है, और इनड्राइव अभी नया चालू हुआ है। ट्रांसलेटर, गूगल ट्रांसलेटर जिंदाबाद।
और मनी एक्सचेंज के लिए यहाँ पे वेबसाइट वगैरह कुछ नहीं होती है भाई, बैंक में जाना होता है, हालिक बैंक होता है, हम भी आज तक वहीं जाते हैं, हालिक बैंक होता है, डॉलर्स लेके आओगे आप, यहाँ पे आपको रेट मिल जाएगी अच्छी, जिस टाइम आप गूगल पे देखो रेट जिस दिन ज्यादा अच्छी है आप जाओ उधर, आप डॉलर दो और वो चेंज, आप ऐसे नॉर्मल कियोस्क्स भी है एक्सचेंज के, बट आई वोंट प्रेफर देम, गो टू हालिक बैंक फॉर एक्सचेंज। हमारे सीनियर ने मैं बोला था कि यहाँ पे जो लोकल है उनसे मत कराना, क्योंकि बहुत बार वो नकली नोट देते हैं, अपने भी समझदार नहीं है, हम भी इतना समझदार नहीं है, पता ही नहीं आगे कैसी दिखती है नकली असली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड यू गाइस हैव टेकन अ ड्रॉप और आर यू हैप्पी? हम आज तक इसके लिए खुश है कि हमने ड्रॉप नहीं लिया, हम खुश नहीं है क्योंकि नहीं, हम खुश नहीं है वो तो, क्योंकि इंसान है आदमी कभी खुश नहीं हो सकता अपनी जिंदगी से, लेकिन रिग्रेट्स नहीं है ड्रॉप कि ड्रॉप नहीं लिया, ड्रॉप नहीं लेना था हमें और हमने नहीं लिया, उसके लिए हमें आज तक दुख नहीं है, शायद मेरे को लगा 10 साल बाद भी जिंदगी में कभी दुख होगा, यहाँ पे जितनी भी दिक्कत है ड्रॉप नहीं लेना था हमें और हम बहुत खुश हैं इस चीज से। पॉपुलेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, तो इंडियन स्टूडेंट की पॉपुलेशन तो यार बहुत है, इंडियन स्टूडेंट्स में आपको अपने इंडियन स्टूडेंट्स बता सकते हो, आज अगर मैं फॉर एग्जांपल कहीं भी जा रही हूँ, यहाँ पे लोकल अलबार्ट स्ट्रीट है, अगर मैं वहां पे भी जा रही हूँ, अगर मेरे को वहाँ चार लोग इंडियन नहीं दिखे, चार तो मैं कम बता रही हूँ, मैं जाते जाते शायद आधा दूसरा आदमी को इंडियन दिख जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं आजकल, जब से वीजा फ्री हुआ है तो टूरिस्ट बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा, आपने देख ही लगा हमारे माँ बाप भी आ चुके हैं, मेरी बहन मेरा भाई सब आ चुके हैं, तो हाँ यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं आजकल, क्योंकि वीजा फ्री है और टिकट सस्ती है, तो आप भी, आपको आना तो घूमने, यहाँ यूनिवर्सिटीज भी 5 है एनमाटी में, तो इसलिए बहुत ज्यादा। नेक्स्ट इज सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन फेस्टिवल, सो गाइस अगर फेस्टिवल सारे सेलिब्रेट होते हैं, पहली चीज डिपेंड कौन सी यूनिवर्सिटी करा रही है और कौन से कंसल्टेंट्स करा रहे हैं, अब इसमें हमारी यूनिवर्सिटी का बिल्कुल रोल नहीं है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी एक भी फेस्टिवल इंडियन नहीं कराती है, ये एक बैक पॉइंट है, बैक पॉइंट है, पर अब चालू है, अब चालू हुआ है धीरे धीरे, लेकिन शायद हम पास आउट हो जाएंगे तभी पूरा चालू करेंगे, लेकिन हम लोगों ने आज तक कोई भी फेस्टिवल मिस नहीं किया, क्योंकि एग्जाम्पल जैसे मैं जयपुर वाले बच्चों को एग्जांपल लेती हूँ, अगर पुणे वाले में भी अगर वो हो रहा है फेस्टिवल, तो जेएसआरसी वाले बच्चे भी निकल जाते हैं, और जेएसआरसी में हो रहा है तो पुणे वाले बच्चे भी चल जाते हैं, वही यहाँ पे सेम चलता है, कि अगर यहाँ पे काजनामो कराती है या कैस्पियन, कैस्पियन यहाँ पे सारे फंक्शन कराती है, कैस्पियन फंक्शन के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है, किसी को भी डांस और में जाना है तो प्लीज गो इन द कैस्पियन, तो सिर्फ फंक्शन कराते वहाँ पूरे साल फंक्शन होता है, तो वहाँ पे काइट ब्रेकिंग भी हो सकता है, खाते ना भाई है ना, लेकिन है ना कैस्पियन फंक्शन बहुत अच्छे कराती है, और हम लोगों के तुम्हारे फ्रेंड्स है तो जैसे दांडिया हो गया, आपने देखा भी होगा, गरबा नाइट हो गई, दिवाली पार्टी हो गई, देखे ही होंगे सारे, हाँ, वो दूसरी बात हमारे फ्रेशर्स होता है, और दिवाली पार्टी हमारे जिनके हम हॉस्टल में रहते हैं वो वाले कंसल्टेंट कराते हैं, और फ्रेशर्स हमारे वो कंसल्टेंट कराते हैं, तो बस यहाँ पे आपको ऐसा कि आप जान पहचान होते हैं, अगर आप जान पहचान है किसी के फंक्शन में जाओ कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि फैमिलियर फेसेस, ये हमने हमारे सीनियर से सीखी है, किसी भी फंक्शन में पहुंच जाते हैं एक यहाँ नॉरिस है जहाँ आपको बहुत ज्यादा हॉलीडेज मिलेंगे, और अभी जो है ये 7 से 9 मई का हॉलीडे एक सेशन आता है, नॉरिस के 3 दिन की छुट्टियां होती है यहाँ पे, लेकिन वहाँ उसकी अलमारी बहुत सुंदर डेकोरेट होता है, बहुत सुंदर, ये यहाँ का फेस्टिवल है। दूसरी बात जो यार ने बोला अभी 7, 8, 9 अभी हमारे हॉलीडेज है, ये जो 3 दिन की हॉलीडेज है ये आती है, इनका कुछ होता है रिपब्लिक डे, पता नहीं हमें पता नहीं है वो होता है, तब उस पर भी घूम सकते हो, लेकिन वैसे भी यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ ही मिलता है। और अब कहाँ कहाँ घूम सकते हो, एक दो मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ आपको, यहाँ अलमाटी के आउटस्कर्ट्स पे कोलसा कैंडी है, बहुत सुंदर है, हम आज तक नहीं गए लेकिन तारा तो होगा, तुर्किस्तान वहां हमें जाना है, वो बहुत प्यारी, एज अ 2 दिन के लिए जाओ एंजॉय करके, हिस्टोरिकल साइट है, और आप दूसरी कंट्रीज भी जा सकते हो, लोगों को लगता है ये मिथ है कि नहीं जा सकते आप कजाकिस्तान से, आप जरूर जा सकते हो, आपको उस कंट्री का वीजा लेना है, और आप वहां उज़्बेकिस्तान किर्गिस्तान कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो आप, अगर ट्रैवल करना है, और अगर आपको उसे अलमाटी में घूमना है, क्योंकि मेरे से आलसी लोग बाहर जाने के लिए चार बार सोचते हैं, लेकिन अगर आपको थक जाता है इंसान बोलते बोलते, पर अलमाटी में घूमना अपने दुख बाद में रोए आप, अलमाटी में घूमने तो बहुत चीजें हैं, लाइक गर्मियों में तो बहुत ज्यादा होती है, फैंटेसी पार्क है आप जा सकते हो, बहुत मजा आएगा वहाँ पे, और अपोर्ट मॉल है उसमें मायामी वगैरह बांध जा सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और बाकी अगर आपको इन जगह के ब्लॉग्स चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में सब मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर अ लाइब्रेरी टू स्टडी? यस, या हमारे एक तो हॉस्टल में लाइब्रेरी, पहले मैं बताती हूँ, हमारे हॉस्टल में एक लाइब्रेरी है, हम लोग वहीं पढ़ते हैं, हम दोनों जब वहाँ पढ़ते हैं, हॉस्टल में लाइब्रेरी है तो आपको वहां मिल जाएगी, जगह मिलना बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं रात में,
सुबह जगह बहुत आराम से मिल जाती है, चार्जिंग पॉइंट, टेबल, चेयर, बहुत शांति है वहाँ पे और बहुत ही सही नजारा भी दिखता है खिड़की से। तो हाँ अब वहाँ पढ़ सकते हो। दूसरी लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, हमारी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है, अब वहाँ जाके आराम से पढ़ सकते हो यूनिवर्सिटी की जो टाइमिंग है उस टाइम पे, और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और बहुत प्यारी लाइब्रेरी है। वहाँ आपको कंप्यूटर्स मिल जाएंगे, आपको अगर कंप्यूटर के थ्रू अगर कुछ पढ़ना है तो आपको वहाँ बुक्स मिल जाएंगी। इंग्लिश में भी आपको बुक अवेलेबल है और मेनली रशियन में, पर इंग्लिश में भी आपको वहाँ कुछ सिलेक्टेड बुक बीडी चौरसिया वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। बाकी असेंशियल्स मैंने आपको बोला था, या तो बुक के आप पीडीएफ ले आना, अगर आप आईपैड या कुछ भी लेके आ रहे हो तो, या तो आप बुक्स वैसे ले आना। हम लोग फर्स्ट सेकंड ईयर में बुक्स लेके आते थे, लेकिन अब थर्ड ईयर में हमने बुक लाना थोड़ी कम कर दी, क्योंकि यहाँ बुक से ज्यादा हम लोग अपने नोट्स बनाते हैं। बुक लेना आई वुड प्रेफर, क्योंकि होनी चाहिए बुक, लेना यहाँ मत लाना लेकिन लेना जरूर, और उसको एक रीड तो बनता है। हाँ। और एक और जगह अगर आपको पढ़ाई करनी है और आपको लाइब्रेरी टाइप जानी है तो सेंट्रल लाइब्रेरी भी है एक, और एक आपको ऐसे ही कुछ लाइब्रेरीज या स्टडी रूम्स टाइप बहुत सारे बने हुए हैं अलमाटी में, जहाँ कैफेज और स्टडी रूम टाइप है, वहां जाके बहुत शांति से आप पढ़ सकते हो, एक कॉफी बुक लो और फिर आराम से पढ़ो, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, फ्री वाईफाई के साथ। सो द नेक्स्ट इज कैन वी डू पीजी इन कजाकिस्तान? यू कैन, बट हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए चीजें और ना हमें यहाँ पे करना है पीजी। पर हमारे डायरेक्टर ने अभी हमें कुछ दिन पहले ही बताया था, अगर आपको यहाँ पीजी करनी है तो मिनिमम आपको 10 बच्चे चाहिए एक वो हॉरिजॉन्टल ओपन करने के लिए, क्योंकि अभी इंटर्नशिप अभी अभी लागू हुआ है यहाँ, तो पहले इंटर्नशिप करो आप यहाँ से, इंटर्नशिप करके आपको कजाकिस्तान की प्रैक्टिस का लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद आप जिस यूनिवर्सिटी में हो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीजी, इट इज क्वाइट पॉसिबल, और अगर आप करना चाहो तो ये हॉरिजॉन्टल ओपन है आपके लिए। लेकिन हमने एक्सप्लोर नहीं करना और हमें जाना भी, और हमें इंडिया जाना है। फर्स्ट ईयर फ्लाइट एक्सपीरियंस, फर्स्ट ईयर में हम लोगों का एक्सपीरियंस बेस्ट था, क्योंकि हम लोग आए थे एयर अस्ताना से, एयर अस्ताना यहाँ पे बहुत अच्छी फ्लाइट है, वहाँ आपको फ्री का खाना भी मिलता है और एक किट भी देता है, बहुत मस्त है ना। तो हाँ वो एक ही बार हम लोग एयर अस्ताना से, क्योंकि इतना बेवकूफ आदमी एक ही बार हो सकता है, क्योंकि आप उससे चीप ऑप्शंस खुल गए। एयर अस्ताना यहाँ कम्पेरेटिवली महंगी फ्लाइट है, क्योंकि वहाँ फूड एक्सपेंस वाली सब जुड़ जाता है उसमें, लेकिन आपको एक्स्ट्रा लगेज भी लाना है फर्स्ट ईयर में, तो जो आपकी टिकट फर्स्ट है कि एक्चुअली टिकट आपके कंसल्टेंसी फीस में इंक्लूडेड होती है, तो अगर आपको वो टिकट बुक करनी है तो आप अगर एक्स्ट्रा लगेज लाना है तो आप उनसे पूछ के जो हमने टिकट बुक करी है उसमें एक्स्ट्रा लगेज भी बुक करा सकते हो, दैट इज एन ऑप्शन, क्योंकि मैंने भी कराया था। तो वो आप करा सकते हो, एक आपको एक प्रो टिप दे रहा हूं मैं। अब एक अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्लाइट ऑप्शन फ्रॉम कजाकिस्तान टू इंडिया? अब मानसी बताइए सर। तो पहले तो एयर अस्ताना ही थी, क्योंकि हम जब यहाँ फर्स्ट में आए तो सिर्फ एयर अस्ताना चलती डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में बहुत, लेकिन डायरेक्ट सिर्फ एयर अस्ताना चलती थी। और जब हम फर्स्ट ईयर से वापस गए थे तो हमें दिमाग आ गया था कि एयर अस्ताना बहुत महंगी हो रखी है, तो हम लोग जब वापस गए थे तो हम लोग थे, हमने चेंज की थी फ्लाइट, पहले हम यहाँ से विज एयर में गए थे। यहाँ पे पहले मैं इनडायरेक्ट बता देती हूँ, विज एयर यहाँ से चलती है अलमाटी से, वो आपको लेके जाएगी आबूधाबी। आबूधाबी हम लोग घूमे थे उस टाइम, लेकिन आबूधाबी में आपका स्टे होता है 16 hours, 8 hours, 22 hours, और वहाँ वीजा फ्री मिलता है ना। तो आप उधर से आबूधाबी में स्टे, फिर आबूधाबी से हमारी दिल्ली तक की फ्लाइट थी, और वो थी इंडिगो कर लो, एयर इंडिया कर लो, दुबई से तो सारी फ्लाइट आती है। तो ये थे, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ऐसे किया था, लेकिन अब तो बहुत ऑप्शन खुल चुके हैं भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे इंडिगो, यहाँ पे फ्लायरिस्तान जो चीप ऑप्शन है, एयर अस्ताना की दूसरी फ्लाइट है, वो चीप है, और यहाँ पे अब तो एयर एशिया भी खुलने वाली लोग कह रहे हैं, अब देखते हैं ऐसा होता है। और एक और इनडायरेक्ट का मैं आपको ऑप्शन बता सकता हूँ, शारजा के थ्रू जाती है एयर अरेबिया, पर वो ऐसा है उसमें आप शारजा में बाहर नहीं जा सकते, हाँ। आप एक टिकट बुक होगी वो आपको वाया ले ओवर के थ्रू लेके जाएगी, हाँ। जो हमने विज एयर से करी थी वो हमने टू कैरियर्स के थ्रू करी थी, इसलिए हम बाहर एक्सप्लोर कर सकते, हाँ। लेकिन अब मैं आपको सबसे अच्छा ऑप्शन बताती हूँ कि आप लोग अब तो डायरेक्टली जाओ, डायरेक्ट अच्छा, पर अगर किसी को घूमना है तो जा सकते हैं, मेनली फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो सिर्फ डायरेक्टली अच्छा ऑप्शन है, इनडायरेक्ट अच्छा ऑप्शन नहीं है। सो हाँ, और आई वुड प्रेफर चेक आउट फ्लायर स्थान प्राइजेस, क्योंकि वो सबसे चीप होता है, उसके बाद इंडिगो, हाँ फ्लायर स्थान, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद अगर एयर अस्ताना जो अमीर है वहाँ पे जाते हैं लोग। वीडियो ऑन थर्ड ईयर एमबीबीएस बुक्स हम बनाएंगे, लेकिन अभी हमारा बस ये सेमेस्टर खत्म हो जाए, हमारे पेपर्स आने वाले हैं, हाँ हम इस वीडियो के लिए भी हमने टाइम निकाला है, हमारे पेपर्स आने वाले हैं, उसके बाद हम पक्का बनाएंगे आपको इस, अभी आपको अराउंड मे के एंड या जून के स्टार्टिंग में ये वीडियो मिल जाएगी, दैट्स अ प्रॉमिस, हाँ वीडियो थर्ड ईयर में, तो हमें हम हर साल बनाते हैं भाई की। वेयर कैन वी एंगेज इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस इन अलमाटी? सो वो हमने ऊपर आपको जैसे बता ही दिया कि अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप टीचर्स से इंटरेक्ट करो, टीचर्स को अगर आप बात कर रहे हो, इफ दे वांट यू टू ज्वाइन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड एक्सप्लोर थिंग्स, तो वो कर सकते हैं। हाँ,
लाइक हमारे एक सर है वो हमें बुला लेते हैं कि सैटरडे फ्राइडे के कि तुम्हें आना है देखना है तो आ जाओ देख लो मेरे साथ. तो हाँ आपको लैंग्वेज आती है और आपकी कम्युनिकेशन टीचर से कैसे बस वो आपको क्लिनिकल में हेल्प कर सकते हैं. और अगर लैंग्वेज नहीं आती तो सर्जरी देखने चले जाओ उसमें तो क्या ही लैंग्वेज. हाँ और बाकी अगर हमारी क्लिनिकल क्लासेस लगेंगी तो वो थर्ड ईयर से लगती है. हमारी उसमें थर्ड ईयर से लगती है, काजम में फोर्थ ईयर से लगती है. हमारे में फर्स्ट में लगती है जो आपने ब्लॉग देखा है जो हमारा हाईएस्ट व्यूड ब्लॉग है. हाँ और थर्ड में लगती है, फोर्थ और फिफ्थ से सेकंड में लगती है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एमबीबीएस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज करियर का स्कोप बता दो. करियर का स्कोप तो बहुत है यार. हाँ करियर का स्कोप बहुत है. और दूसरी बात करियर पहली बात तो स्कोप बच्चा खुद बनाता है. हाँ. आपको यहाँ से जाना है, एफएमजी देना है, एफएमजी क्लियर, नीट पीजी देना है, नीट पीजी क्लियर, बस यूएसएमबी करना है, यूएसएमबी करो. आपको जर्मनी जाना है, जर्मनी जाओ. दुबई जाना है, दुबई जाओ. ऑस्ट्रेलिया जाना है, एएमसी तो ऑस्ट्रेलिया जाओ. प्लैब देना है, प्लैब दो. डायरेक्ट जो यहाँ से प्लैब डायरेक्ट देके भी आप प्लैब में जा सकते हो. हाँ. वो आपने हमारा अनफिटल चैट विद मेडिकल डॉक्टर स्पेनिस के साथ देखा होगा. हाँ. वो पूरा एक्सप्लेन कर रखा है उधर. आप नहीं अभी जानना है तो वहां जाके देखो. और ये करियर का स्कोप हुआ तो वो बच्चा खुद बनाता है. अब भले वो एमबीबीएस में हो, एक्स वाई जेड किसी भी फील्ड में, स्कोप आपको बहुत है, बनाने वाले पे डिपेंड करता है. एफएमजी के बाद कौन इंडिया को कौन बाहर का, पेशेंट आएगा, पेशेंट पूछेगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, Are universities better than universities in India? And do you recommend whether buying a flat or hostel to live there? Okay. तो यहाँ पे नहीं, इंडिया से बेटर यूनिवर्सिटीज कोई नहीं है. इंडिया तो बहुत अच्छी, इंडिया की मेडिकल सबसे अच्छी है और बेस्ट यूनिवर्सिटी. क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से फोकस करते हैं. क्लिनिकल देखो पढ़ाई से हमें जिनके थ्रू आए थे और जो भी हमारे फैमिली डॉक्टर ने भी बोलता कि पढ़ना खुद को ही है, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस इंडिया में ज्यादा अच्छी है तो ये तो हम भी डिनाई नहीं करेंगे. पढ़ाई आप कर सकते हैं खुद से अच्छी. हाँ पढ़ाई कंपेरेटिवली कर सकते हैं अच्छी, बट सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत मिलता है. बट क्लिनिकल इंडिया में ही अच्छा है, बेस्ट है. Now, do you recommend whether buying a flat or hostel to live there? मैं मेरा ओपिनियन बता दूँ, कोई चिढ़ेगा नहीं. मैं मेरा ओपिनियन ये है, हॉस्टल अच्छी जगह है रहने के लिए क्योंकि परमानेंट छत, जैसे मैंने पहले बोला. और दूसरी बात, यहाँ पे लफड़े, मतलब हाँ लफड़े दंगे फसाद कम है हॉस्टल में कंपेयर अगर फ्लैट से करें, क्योंकि हमारे सीनियर्स भी हैं वो भी बहुत सारे यहीं रहते हैं. क्योंकि 600 बच्चे हैं हॉस्टल में, क्या दंगे फसाद होंगे. वही नहीं, दंगे फसाद नहीं, वैसे बता रही हूँ, सीनियर्स भी रहते क्योंकि वो हम देख के आए कि फ्लैट में क्या सीन है और क्या है. जिसको ये है कि हाँ वो अच्छा पे करने को तैयार है, दूसरा मेंटल पीस अगर किसी को चाहिए तो आप फ्लैट में जा सकते हो, बाकी हम हॉस्टल में कंफर्टेबल है. अब ये एक रैंडम बहुत बड़ा क्वेश्चन है. ओके सो इन्होंने बोला है सिली क्वेश्चन, बट कोई क्वेश्चन सिली नहीं है यार, सबको आते हैं. तो ये पूछा जा रहा है कि वन थिंग लाइक कैन वी एबल टू यूज इंडियन एप्स लाइक PWPG और प्रेपलेटर और समथिंग इन अलमाटी. तो हाँ बिल्कुल, यू कैन यूज, हम प्रेपलेटर से खुद पढ़ते हैं और आप यहाँ यूज कर सकते हो. और वी कैन एबल टू डाउनलोड एनी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, येस यू कैन. और कजाकिस्तान के ऐप डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर में जाके कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज करके कजाकिस्तान करके वो भी कर सकते. लेकिन यहाँ पे आप, मैं बता दू, यहाँ नेटफ्लिक्स चलता है, प्राइम चलता है, प्राइम भी आप शायद नहीं चल पाएगा, लेकिन और वो नहीं चलते हैं, हॉटस्टार, डिज्नी, वीपीएन है, वीपीएन जिंदाबाद, ये सोने लगे और ये सब कुछ नहीं चलता है यहाँ पे. इफ येस देन वॉट अबाउट फोन नंबर. सो फोन नंबर के बारे में यू वांट टू नो. सो बेस्ट सिम टू गेट इन कजाकिस्तान इज एयरटेल. इंडियन सिम टू गेट इन अलमाटी इज एयरटेल, क्योंकि यहाँ उसी के ओटीपी आते हैं. आप एक मिनिमम पैक रिचार्ज करो, चार पांच छह महीने तक आराम से मैसेज आएंगे. फिर से छोटा वाला रिचार्ज करा लो, फिर से मैसेज आने लग जाएंगे. इफ यू ओनली वांट सम मैसेजेस एंड ओटीपीज टू कम, सो एयरटेल. और किसी के नहीं आते. फर्स्ट टाइम में पता नहीं था, हमारी मेरी जियो की थी, इनकी वीआई, हम दोनों की नहीं चली थी, क्योंकि अब हमें यहाँ आके पता चला कि एयरटेल इज द सिम जो यहाँ चलती है जिसपे ओटीपी आता है, तो एयरटेल ही होनी चाहिए. और अब मैं, हम लोगों के पास एयरटेल है तो ओटीपी आते हैं. हम लोग जैसे सिम बंद होती है हम रिचार्ज करा लेते हैं, ओटीपी ले लेते हैं और फिर देखते आता है, तो कोई उसकी स्ट्रेस नहीं है. और अगर यहाँ की आपको सिम की प्रेफरेंस है तो सारी सिम ऑलमोस्ट इक्वल है, बट वी प्रेफर टेले2 क्योंकि वो चीपर ऑप्शन है और अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट भी मिलता है. एंड कैन इंडियन वर्जन ऑफ आईपैड वर्क? या ऑफ कोर्स गाइस, बहुत लोगों के पास है आईपैड. सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपके और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कर देना. हमें लगता है ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, लेकिन हम लोग कुछ खा गए हो या हम लोग नहीं बता पाए हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ लेना, क्योंकि बहुत क्यूरियोसिटी है आने से पहले. हाँ बहुत ज्यादा, हम लोगों के साथ भी बहुत फुद्दू क्वेश्चंस थे. तो और लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करो, हमें 1K रीच करना है. बस हमें 130 सब्सक्राइबर समथिंग चाहिए. 1K तो रीच करा दो यार, इतने टाइम से कर रहे तुम लोगों के लिए, 1K तो डिजर्व करते हैं. सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब.
एंड फॉलो फॉर मोर वीडियो ऑन बुक्स आएगी और एक और सीरीज हम कर रहे हैं वो भी आएगी तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट गाइस सो बाय गाइस वन टू थ्री हे गाइस वेलकम बैक फॉर अदर वीडियो वापस चेंज वन टू थ्री इसको काटना और तू कौन कर रहा है मुझे बार बार मैं बोल रही हूँ फिर तू बोल रहा है तू बहुत तीन बार हो चुका है मैंने सोचा नहीं बोलू लेकिन नहीं बोलूंगी तो गुस्सा आ रहा है मेरे को ठीक है कट मत करे सॉरी वन टू थ्री सो